अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। के बाद सरकार बनाने की अपेक्षा के साथ में चुनाव लड़ती है, जो स्थापित सरकार है वही सरकार वापस जो है चुनाव के मैदान में जारी है, तब शायद कहीं ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर किया गया होगा। अन्यथा 25 साल बाद में जब उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने के लिए पिछली मरतबा चुनाव लड़ रहे, तो क्या आप में से किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? अभी हाल ही में आसाम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल से सरकार काम कर रही थी, सर्वानंद सोनोवाल साहब उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन 5 साल बाद में जब हम चुनाव में गए थे, तब क्या हमने घोषणा की थी कि हम कौन सी पार्टी, हमारा जो है मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में एक स्थापित परंपरा है, चुनाव के बाद विधायक दल अपना नेता चुनता है और साथ ही साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके ऊपर मोहर लगाता है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो किसी परिवार की पॉलिटिकल पार्टियां या किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द बनी हुई पार्टियां, वो अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह के निर्णय सामान्यतया करती है। मैं तो आप सब मित्रों के माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि 7 दिन बाद में ऐसे कौन से पंडित ने आपको मुहूर्त बताया कि उस दिन बताने पर चुनाव में आपको लाभ होने वाला है? या कम से कम केजरीवाल साहब से आप सब मित्रों को यह जरूर प्रश्न करना चाहिए कि अब इनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी आकर के खड़ी हुई है, किस लाभ की अपेक्षा से वो अब 7 दिन बाद में हम चेहरा घोषित करेंगे ऐसा घोषणा कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की पद्धति है, न इस तरह का विचार है, न इस तरह का कोई काम होगा। हम सब मिलकर के पंजाब में कमल खिलाने के लिए सामूहिक रूप से सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। जब कमल खिलेगा तब निश्चित रूप से सारे विधायक मिलकर के स्थापित परंपरा के हिसाब से मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव।